नमस्कार दोस्तों, लेजी लर्न परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑन ऑफ सेलेक्टर स्विच के बारे में। मेरे पास एक LA38 टू पोजिशन लैचिंग स्विच लग पड़ा हुआ है। ये सेलेक्टर स्विच है, आप देख रहे होंगे, ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों टाइप के होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में कई लोगों के माइंड मन में डाउट होता है कि कनेक्शन किस तरीके से किए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये जो नॉर्मली स्विच तो होता है, सेलेक्टर स्विच होता है, ये इसका काम ऑन कराने के लिए भी होता है और ऑफ कराने के लिए भी काम होता है इसका, क्योंकि इसमें NO और NC दोनों कॉन्टेक्ट भी होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, ये जो सेलेक्टर स्विच होता है, इसमें आप सप्लाई देंगे तो इसमें लाइट भी जलती है। अगर आपने ऑन किया, सप्लाई प्रोवाइड हो गई, तो ये लाइट यहाँ पे जलती रहती है। तो लाइट के लिए अलग से ये इसमें एक बल्ब लगा होता है, ये आप खींचेंगे। इसको खोलने के लिए आप पिन लगी होती है, आप इसको टेस्टर से निकालेंगे, निकल जाएगा। और इसके अंदर लाइट जो लगी होती है, इसको आप ऐसे करेंगे, एक टेस्टर की सहायता से या किसी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप इसको करेंगे, हल्का सा पुश करेंगे, खुल जाएगा। और आप देखेंगे इसके अंदर एक LED लगी होती है। तो जैसे ही इसके अंदर आप, ये तो आपका हो गया सेलेक्टर स्विच, और जैसे ही आप इसके अंदर सप्लाई देंगे, तो ये जब तक आप किसी भी लोड को ऑन रखना चाहते हैं, उस केस में जलता रहेगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसके अंदर कुछ मार्किंग है, 12-24 और 11-23 और 12-24। तो इसके अंदर एक सप्लाई देगा, ये NO1 होगा, एक NC होगा, और ये जो आपको दिख रहा है टर्मिनल, यहाँ पे ये इसके लिए 220 वोल्ट सप्लाई के लिए, जो इसका LED जलेगी। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है कि AC 220 वोल्ट X1 X2, मतलब आप इसके अंदर एक 220 वोल्ट की फेज सप्लाई देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल देंगे, जिससे ये जलने लगेगा। अब हम बात करते हैं NO NC की। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसमें टर्मिनल NO है, कौन सा NC है? दोस्तों, अगर आपके पास मल्टीमीटर होगा तो मल्टीमीटर की सहायता से पता कर लेंगे इसके अंदर कौन सा टर्मिनल NO का है और कौन से पॉइंट NC के हैं। आप सबसे पहले मल्टीमीटर को लगा देंगे कंटिन्यूटी पे, चेक कर लें मल्टीमीटर सही है। अब इसके एक पॉइंट पे आप इसको लगाएंगे और इसके अगले सिरे पे दूसरे लगाएंगे, ये आपस में, मतलब ये हमारा NC टर्मिनल है और ये हमारा दूसरा वाला, चेक करेंगे दूसरा, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा, मतलब ये NO है। अब आपने पता लगा लिया कि इसमें NO NC कौन सा है। आप क्या करेंगे, जो आपने फेज सप्लाई लाएंगे, एक में यहाँ पे फेज देंगे 23 में, और दूसरी तरफ से सप्लाई ले आके आप लोड में दे देंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट कर देंगे। दोस्तों, मैंने चेक किया कि 23 और 24 इसमें NC था, तो ये हमारा NC हो जाएगा, और ये जो 12 और 11 के पॉइंट थे, ये इसमें NO हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा स्विच है। आप अब इसको, आपको अगर लोड, यहाँ पे कोई लोड अगर आपको जलाना होगा, तो आप लोड जलाने के लिए आपको क्या 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए होती है फेज न्यूट्रल। आपको आगे से फेज न्यूट्रल सप्लाई लानी है और यहाँ पे लाके 24, अगर आपको क्या करना है कि ऑन ऑफ कराना है, पहले ऑन कराना है, ऑफ कराना है, तो उसके लिए आपको फेज वायर लाएंगे, आप फेज वायर ला के 24 में दे देंगे, और यहाँ से निकाल के ये फेज वायर आप दे देंगे लोड में, लोड आपका बल्ब हो सकता है, और न्यूट्रल आप डायरेक्ट यहाँ से न्यूट्रल लाएंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट अप्लाई के इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका बल्ब जल जाएगा, और ये इसके लिए आपको लाइट भी जलानी है कि जब आप ऑन करें तो ये जल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका जो लाइट है, इसको यहाँ से आप लूप करेंगे, यहाँ से एक सप्लाई लेंगे और इसको उठा के और इसमें दे देंगे, मतलब आप क्या करेंगे, जो आपके आउटपुट्स लेंगे, इनपुट से अगर लिया आपने तो आपका कंटिन्यू लाइट जलती रहेगी इसकी, इसीलिए आपको आउटपुट से लेना है वायर इसकी, और इसको ले जाके आपके 12 इस पर दे देना है, इस वाले टर्मिनल पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर लाइट इसे जलेगी, और न्यूट्रल आप डायरेक्ट यहाँ से लोड से एक न्यूट्रल उठाएंगे कॉमन, और ये न्यूट्रल आपको यहाँ पे जो इसका दूसरा टर्मिनल होगा, ये वाला इस साइड में, इस पर लाकर आपको ये कनेक्ट कर देना है, ये आपका ऐसे जल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, कृपया कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।